हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने सिर्फ कट ऑफ देखी थी। बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे जिसमें इन्होंने पूछा है लोगों ने कि क्या स्टेट वाइज रहेगी, कि दिल्ली की क्या रहेगी, कोलकाता की क्या रहेगी, तो मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ कि कितनी वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं भोपाल के अंदर कितनी है, फिर दिल्ली में जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं 224 जनरल की, 121 ओबीसी, 67 एससी, और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 43 हैं, तो काफ़ी कम है। जनरल की आप देख सकते हैं सिर्फ 6 है और ओबीसी की 23। तो इस बार रेशियो मेंटेन्ड नहीं है। ऐसे ही कोलकाता में मैं आपको दिखाता हूँ अभी कोलकाता की भी, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आप देख सकते हैं, तो जयपुर में दिखा देता हूँ पहले, फिर कोलकाता में दिखाता हूँ। तो कोलकाता में अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बैलेंस नहीं है। जनरल की 139 है और ओबीसी की सिर्फ 14 वैकेंसीज है, 10%। तो आप देख सकते हैं रेशियो मेंटेन्ड नहीं है, तो इसकी वजह से कट ऑफ में वेरिएशन आ सकता है कुछ स्टेट्स के लिए। बाकी दिल्ली में मेंटेन्ड है, इस तरीके से मुंबई में भी मेंटेन्ड है, वडोदरा में मेंटेन्ड है, तो इधर आपको डिफरेंस काफ़ी कम देखने को मिलेगा, बाकियों में देखने को मिल सकता है। तो गाइज अब मैं आपको बता दूँ जो टोटल वैकेंसीज है 1729 है, जिसमें मुंबई में जो है 455 है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1/3, 1/4 के अप्रॉक्स पड़ेगी बीच में। 500 मान लो, अगर 1500-1700 इसे मान रहे हैं। वडोदरा में आप देख सकते हैं, इसका मतलब अभी देखेंगे हम कि चार मेजर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट ईयर का जोन एलोकेशन की लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरली सारे ऊपर वाले रैंक वालों ने दिल्ली ही फिल किया है। नॉर्थ सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रहता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, ठीक है, ये चार ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। और वैकेंसीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दिल्ली और मुंबई में, यानी अगर नॉर्थ में देखें तो दिल्ली जो भरे जाएंगे जोन पहले, ठीक है। वडोदरा, कोलकाता जो चार मेजर जोन से, इन्हीं में वैकेंसीज हैं इस बार, दिल्ली में, कोलकाता में, वडोदरा में और मुंबई में। तो ऊपर वाले जो तीन है मेन, लोग इन्हीं को प्रेफर करेंगे ज़्यादा। मुंबई की अभी कम हो जाएगी कट ऑफ, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं दिल्ली के अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं कि दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, तो वैकेंसीज पहले 224 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। रैंक की अगर बात करें, रैंक से भी समझाऊंगा इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको एक ऐसे ही रफ तुक्का टाइप का बता दूं, आपको रैंक के हिसाब से समझाऊंगा क्यों इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। 530 और 65 आप लेके चले थर्ड में, टीयर थ्री में, तो 530 वाला अगर 65 लाता है तो 595 के अप्रॉक्स बैठेगी। उसका एक लॉजिकल रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है, कि 595 इसकी क्यों जा सकती है। तो पहले तो आप रैंक को समझिएगा, कि रैंक जो है 530 पे 1400 रैंक है। अगर मैं बात करूँ सीएसएस की, तो सीएसएस की 500 वैकेंसीज है मान लो यूआर कैटेगरी की, ठीक है, जो कि 500 नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में समझाया हुआ कि ओएचबीएच की वैकेंसीज हॉरिजॉन्टल कटेंगी इसमें से, तो 400 कुछ रह जाएगी, ठीक है, फिर भी 500 मानते, और बाकी मिनिस्ट्रीज़ की 100 मान लेते, और एक्साइज की आप देख रहे हैं 224 जनरल की, ठीक है। ओबीसी को इसी में ले लेते हैं 300, तो भी टोटल 1000 तक बनेगी सारी, 900 से 1000, ठीक है, अगर सबको काउंट कर लेते हैं तो, जितनी भी वैकेंसीज ये हैं, ठीक है। तो 550-540 वाले नंबर वाले सीएसएस भरेंगे नहीं, पहली बात, तो वो एक्साइज को लेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी सीएसएस में होंगे वो भी एक्साइज भरेंगे, या किसी मिनिस्ट्री में होंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के जो होंगे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, तो वो इस पर रिस्क ले लेंगे आराम से। और इसलिए आप देख सकते हैं कि रैंक में अगर बात करें तो 800 से लेके 1400 के अप्रोक्स रैंक में ये मिलेगी, तो 530 पे 1400 रैंक है। अगर ओबीसी भी 600 हुए तो भी ये 595 से कम नहीं जाने वाली किसी भी हालत में, ज़्यादा ही जा सकती है दिल्ली के लिए। गाइज ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी के आप देख सकते हैं 15 से 20 नंबर कम हो सकते हैं इसके, पर 15 मैक्सिमम मानते हैं, 580 से 582 ओबीसी में जा सकती है, वो भी उसकी रैंक के हिसाब से, क्योंकि ओबीसी की सीट 121 है दिल्ली में, बट और जगह पर कम है, इसलिए इसकी थोड़ी बढ़ सकती है 582, और एससी में 535, और एसटी में आप देखेंगे 515, ठीक है। अगर हम अपने नेक्स्ट जोन की बात करें, गाइस ये अभी दिल्ली की बताई है मैंने, ठीक है, अगर मैं दूसरे जोन की बात करूं, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, क्योंकि ये तीन जोन भी बहुत डिमांड में रहते हैं और इनके अंदर वैकेंसीज काफ़ी कम है। टोटल मैंने कराया इनका तीनों का, तो आप देख सकते हैं 22 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी की। तो अगर 22 है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सीएसएस और ये सब जोड़ के, ठीक है, मैं अगर 700 रैंक पे दिखाऊँ आपको, 700 रैंक के आसपास
540 प्लस वाला बंदा है, ठीक है, स्टूडेंट्स 540 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं 700 रैंक पर, और 550, ठीक है, तो ये वाले लोग इसे ऑप्ट करेंगे, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, 600 प्लस, 610 तक भी जा सकती है। उसका एक रीज़न है क्योंकि लोग जो CSS नहीं भरना चाहते, जिनका होम टाउन लखनऊ है या सबका होम टाउन दिल्ली नहीं होता है, तो वो लोग फिर इसको भरेंगे जिनके 550-60 मार्क्स हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाएगी, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ इन जोन्स की, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं OBC की 590-95 और SC की आप देखेंगे 530-35, इससे ऊपर ही रहेगी, 40 भी जा सकती है, और ST की अगर मैं बात करूँ तो ST की 520 के आसपास रहेगी, ठीक है। ये चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ की बात करिए गाइस, मैंने फिर बता देता हूँ, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ, ठीक है, ये तीन जोन की। अगर हम बात करें अभी कोलकाता की, ठीक है, तो कोलकाता एक्साइज में आप देख सकते हैं कोलकाता के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोलकाता में जनरल की जो है वो 139 सीट्स है, ठीक है, और OBC की 14। तो अगर इसकी रैंक के बेस पर बात करें तो ये कितनी रैंक तक को मिल जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ तक मिलेगा OBC को वो भी बता देता हूँ। तो पहली बात तो 2800 रैंक तक के इसके आसपास चांस रहेंगे इस कोलकाता एक्साइज के लिए, ठीक है, तो 2800 रैंक पर 515 के आसपास इसके बनेंगे मार्क्स। तो 515 में आप देख सकते हैं कि मुंबई जो है वो लोग नहीं भरेंगे, इसलिए कोलकाता पहले भरा जाएगा, क्योंकि 4-5 में ही मेजर वैकेंसी है जैसे मैंने बताया था, तो 515 आप मान सकते हैं, 60 माने तो 575 से 578 तक जा सकती है। जो UP ईस्ट के बंदे होंगे वो इसको भरेंगे, बिहार साइड वाले स्टूडेंट्स ये सब लोग कोलकाता जोन प्रेफर करेंगे रेदर देन दिल्ली, ठीक है। तो अगर देखें तो OBC की सिर्फ 10% है, तो OBC की इतनी कम होने की वजह से इसकी ऑलमोस्ट जनरल जितनी ही जाएगी, एक या दो नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, वो भी हार्डली, क्योंकि OBC वाले जनरल में क्वालिफाई होके इसी को ले जाएंगे, तो हो सकता है कि OBC की कम ना जाए कोलकाता के लिए। अब अगर मैं SC की बात करूँ गाइस, तो SC की आप देखेंगे SC की कम जाएगी, SC की सीट्स ठीक है 520 जा सकती है, और ST की भी 500, ठीक है। ये बात की हमने अभी कोलकाता जोन की, मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली कोलकाता जोन की है ये बात। अगर कट ऑफ की बात करें हम नेक्स्ट अपने जोन को देखें, अगर वडोदरा, ठीक है, क्योंकि तीन मेजर में थी, दिल्ली, कोलकाता, वडोदरा और मुंबई, मुंबई की मैं बताऊंगा नहीं अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो वडोदरा की आप देखेंगे 93 सीट्स जनरल की है, OBC की 54 और SC की 52, और किस रैंक तक मिल जाएगा, तो ये भी 2400 के आसपास रैंक पर मिल जाएगा, कोलकाता से पहले भरेंगे नॉर्थ वाले गाइस इसको, ठीक है, जो नॉर्थ के हैं या UP वेस्ट के हैं या हरियाणा के हैं वो लोग वडोदरा भरेंगे रेदर देन कोलकाता। तो फिर कोलकाता के बाद कोलकाता से पहले वडोदरा हो जाएगा, तो 518-20 पर वडोदरा जाएगा, तो इसकी कट ऑफ इसलिए 578-580 इसके आसपास रह सकती है। और OBC की बात करें तो बैलेंस्ड सीट्स हैं, थोड़ी ठीक सीट्स हैं OBC में भी, तो 565-568 इसकी कट ऑफ रह सकती है। SC में भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा, तो 510 के अराउंड ये रहेगी, ST में कोई सीट नहीं है तो उसका बताया नहीं जा सको। अब अगर बात करें गाइज हम, ये वडोदरा जोन था भोपाल की, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के बाद हमने पिछले देखा भोपाल ही भरा गया है 17 का, अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो भोपाल और हैदराबाद, ठीक है। तो भोपाल में अगर मैं देखूँ 24 सीट है, तो 520 के अराउंड ये भी जाएगा, 520-22 वडोदरा और कोलकाता से पहले भरा जाएगा, तो 580 से ऊपर इसकी कट ऑफ जानी है, ठीक है, 585 भी जा सकती है। OBC की बात करें अगर हम, ठीक है, तो अभी पहले मैं बता दूं कि दिल्ली के बाद लोग इसी को भरेंगे, तो 520 प्लस वाले के चांस रहेंगे भोपाल के लिए, क्योंकि ये नॉर्थ में के लिए सही पड़ता है, ठीक है, वहाँ से पास है वडोदरा के कंपेरिटिवली। अब अगर OBC की बात करें तो OBC में 575 जा सकती है, और SC में 9 वैकेंसी से कम है, तो 520-25 इसके अराउंड जाएगी, और ST में अगर हम देखें तो ST में आप दो ही वैकेंसी है, तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी 500 के अराउंड आप मान लो इसे, 500-505 इस टाइप से इसकी जा सकती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट हमारा जो जोन है हैदराबाद एक्साइज, ठीक है, हैदराबाद भी काफ़ी देखने को मिला था पिछले जोन एलोकेशन में, काफ़ी स्टूडेंट्स हाई रैंकर्स ने हैदराबाद लिया था दिल्ली और भोपाल के बाद, ठीक है, बट क्योंकि इस बार सीट्स काफ़ी ज़्यादा है अलग अलग जोन्स में, तो इसलिए कोचीन में भी है साउथ में, इसलिए लोग हैदराबाद लेंगे, तो 510 के अराउंड वाले इसे प्रेफर करेंगे, तो 570 के अराउंड ये जा सकता है। तो OBC में कोई सीट नहीं, SC में कोई सीट नहीं, अगर ST की बात करें तो ST भी 500 के राउंड ही जाएगा, हो सकता है कम भी चले जाए 498, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती गाइज, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है,
जो हमने एनालाइज करने के बाद बनाई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।